ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 606 606 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिवल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो स्कंद 11 के प्रथम अध्याय से आरंभ होते हुए जहाँ यदुवंशियों को श्राप मिला, उसके पश्चात महाराज निमि और नवयुगेंद्रों की कथा का उल्लेख था, जहाँ हमने महाराज निमि के द्वारा पूछे गए 9 प्रश्नों को अगले 3 अध्यायों में श्रवण किया और वास्तव में वो वसुदेव द्वारा पूछी गई नारद मुनि से वार्ता का उल्लेख था, जिसे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया। तत्पश्चात अध्याय 6 में हमने यदुवंश के प्रभास गमन के बारे में श्रवण किया और जहाँ भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा दे रहे हैं। तो करीब अध्याय 7, 8, 9, 10 और 11 में भगवान की उन शिक्षाओं का उल्लेख अवधूत के द्वारा गृहित उन गुरुओं की विस्तृत व्याख्या से है, जो एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय स्वरूप अवधूत से ही पूछा था। तो अनेकानेक विद्वत्ों की, व्यक्तियों की, मनीषियों की वार्ताओं को यहाँ इन स्कंद 11 के अध्यायों में संकलित किया गया। तो प्रथम 3 से 4 अध्याय जहाँ नवयोगेंद्र और महाराज निमि की वार्ता के थे, वहीं उसके पश्चात के अध्याय जो हमने पिछले कुछ एक सत्रों में श्रवण किए हैं, वह महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सुनाने के इस क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव को सुनाया, जो वास्तव में राजा यदु और अवधूतों के मध्य का संवाद था, उसका उल्लेख था। तो अध्याय 11 जो हमारे पिछले सत्र का प्रमुख विषय था, उसमें भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अब सकाम कर्म की प्रवृत्ति, पूर्ण वैराग्य से नित्य मुक्त जीव और बद्ध मुक्त जीव के अंतर के पश्चात उल्लेख करके ये बताना चाहूंगा कि वैराग्य और ज्ञान से आगे क्या है। तो आज का अध्याय वास्तव में आचार्य कहते हैं वृंदावन वासियों की पवित्र संगति तथा उनके शुद्ध प्रेम के उत्कृष्ट महिमा को उल्लेखित करते हुए, क्योंकि वैराग्य और ज्ञान से आगे क्या, साधु संतों की संगति से भौतिक जीवन के प्रति जो प्रवृत्ति की मानसिकता थी वो अब निवृत्ति में परिवर्तित हो गई है, तो अब उसके पश्चात क्या, इसे आज हम सभी स्कंद 11 अध्याय 12 वैराग्य तथा ज्ञान से आगे इस अध्याय के करीब 24 श्लोकों के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो य भद्राणि विधुनोति सुयत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो आज सत्र 606 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 12, वैराग्य और ज्ञान से आगे। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैंने यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी दिखाने का प्रयास किया है। श्री भगवान वाच, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नियमायवा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चार करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके कोई भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। तो भगवान स्वयं अपने रहस्य को उद्घाटित करते हुए बता रहे हैं कि किसकी बात की जा रही है। शुद्ध भक्तों की संगति की। शुद्ध भक्तों की संगति का अर्थ है कि वह संग जिसमें भौतिक जगत, भौतिक भावना, भौतिक तृप्ति, भौतिक लिप्सा, भौतिक इंद्रियों को स्वयं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं है, जिसमें प्रत्येक क्रिया के केंद्र में भगवान की तुष्टि की बात है। भगवान कहते हैं अपने स्वयं के शब्दों में, ऐसी शुद्धि करने वाली संगति मुझे मेरे भक्तों के वश में कर देती है। परमार्थ के और शास्त्र के अनेकानेक कार्यों में से कोई भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। विषय यहां पर उठेगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें से किए जाने वाले अधिकतम कार्य हमें इस भौतिक जगत के किसी न किसी आकर्षण में, ऐश्वर्य में बांध कर रखने की प्रवृत्ति में अनुरक्त रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कार्य भगवान को प्रिय नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जब ये कुआं खुदवाने का, यज्ञ करने का, तपस्या करने का, कोई मंत्रों का उच्चारण करने का, तीर्थ स्थान में जाने का, अहिंसा शुद्धता के आचरण का कार्य करने का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे कार्य जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए इच्छुक साधक हैं, उनके द्वारा संपन्न किए जाने पर भगवान को अच्छे लगते हैं। यदि व्रतों में देखा जाए तो एकादशी व्रत जो वैष्णवों के लिए स्थायी व्रत है, भगवान को प्रिय है। भगवान ने अपने शब्दों में कहा है, इनका परित्याग करने की बात नहीं की जा रही है, तुलनात्मक रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे भगवान के मुख्य नाम और भगवान के गौण नाम, भक्त का मुख्य लक्षण भगवान के मुख्य भक्त के गौण लक्षण, उसी प्रकार भगवान का सबसे प्रिय क्या है और उसके बाद के अन्य प्रिय क्या है। तो सत्संग की परम विधि जो जीव में जगत से वैराग्य उत्पन्न करें, क्योंकि वैराग्य और ज्ञान के आगे क्या है, भगवान की सेवा करने की, भगवान के संग रहने की, भगवान के भक्तों को तुष्ट करने की प्रक्रिया को जानना, जो समझने के क्रम में आरंभ होती है सत्संग की विधि से।
इसीलिए हमने देखा होगा कि बड़े बड़े राक्षस सबसे पहले क्या करते थे, सत्संग की विधि को नष्ट करते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं तप हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, कहीं वाचन हो रहा हो, सबसे पहले उसे ही बंद करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह अत्यधिक कठिन है। शरीर पाना, मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, और सत्संगति उससे भी अधिक दुर्लभ है। और इसलिए जो सत्संगति करके भगवान के भक्तों के संग रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो भगवान को अति विशेष प्रिय हो जाते हैं। श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6 में कहते हैं, सत्संगे नहि दैतेया या तु दाना मृगा खगा गंधर्वापसर सोनागा सिद्धाश्चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्री हुंतजा रजतम प्रकृतयस्तस्मिन् तस्मिन् युगे युगे। भवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाश्रकाया दवादेय वृष पर्वा बलिर्वाणो महश्चाधव विभीषण सुग्रीवो हनुमान वृक्षो गजो गृतो वरिक्पत व्याध कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञ पत्न्य तथा परे। प्रत्येक युग में रजो तथा तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की। इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक तथा विद्याधर जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य, शूद्र, स्त्रियां तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। वृतासुर प्रहलाद महाराज तथा उन जैसे अन्यों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इसी तरह वृष परवा बलि महाराज, बाणासुर, मय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, धर्मप्याद, कुब्जा, वृंदावन की गोपियां तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरा धाम प्राप्त कर सके। तो इसी जगत में रहते हुए अनेकों प्रकार के गुणों से आसक्त जीव ने जब भक्त की संगति प्राप्त कर ली, तब उनका जीवन का आमूलचूल परिवर्तन हो गया। भगवान ये बतला रहे हैं कि किस तरह वे अपने शरणागतों के वश में हैं। जब बाणासुर और गोपियों की यहां भगवान शब्दों में प्रस्तुति कर रहे हैं, तब भाव स्पष्ट रूप से ये कहने का है कि भगवान के भक्त जो उनकी भक्ति के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं जानते, उन्हें भगवान अपने प्राण के तुल्य समझने लगते हैं। चाहे गजेंद्र राव, चाहे बलि रहे हो, चाहे प्रहलाद महाराज रहे हो, चाहे वृतासुर राव, वृतासुर जो पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु थे, किसी न किसी ने कहीं अंगिरा मुनि का, कहीं नारद मुनि का, कहीं असित देवल व्यास का संग प्राप्त किया। बाणासुर ने भगवान शिव का संग प्राप्त किया। सुग्रीव, जामवन, हनुमान, इन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की। राम कथा से जटायु का उल्लेख करते हैं यहाँ पर, जिन्होंने भगवान की सहायता करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, ये विभिन्न प्रकार के गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, कोई भी जिसने शुद्ध हृदय से भगवान के विषय में सुना, वो उनके प्रति आकर्षित होने से रह नहीं पाता। और आकर्षित होने के पश्चात, हाँ, जब हमारी शरणागति है, इसकी सुनिश्चितता करनी हो, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर कितना आकर्षण है ये देखना होता है। अनुशासन, एकाग्रता, संयम, त्याग, ये सभी बाद में आते हैं। सबसे पहले आकर्षण आता है यदि हमारे अंदर भगवान के नाम के लिए, कथा के लिए, सुंदर रूप दर्शन करने के लिए, लीला का आस्वादन करने के लिए आकर्षण आ गया है, तो अनुशासन, संयम, एकाग्रता, ये सब वहां निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 7 में, तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा अव्रता तप तपसह मत्संगानम उपागता। मैं
मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया उन्होंने न तो वैदिक वाङ्मय का गहन अध्ययन किया था, न महान संतों की पूजा की थी, न कठिन तपस्या या व्रत किया था। मात्र मेरे तथा मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त किया था। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि वेदांगों का, वैदिक वाङ्मय का श्रवण करने का अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि भगवान के प्रति, भगवान के श्री चरणों के प्रति हमारे जीवन में अनुराग उत्पन्न न किया हो तो इनका कोई महत्व नहीं है। केवल भगवान की संगति, भगवान के भक्तों की संगति, भगवान की संगति का अर्थ उनके नाम का, रूप का, लीला का, गुण का आश्रय ग्रहण करना, भक्तों से उनके बारे में और अधिक श्रवण करना, ये सभी पर्याप्त है जीव के कार्य और चेतना को सुसंगति प्रदान करने के लिए। वैराग्य और ज्ञान से आगे क्या है? भगवान के भक्तों की संगति से भगवत प्राप्ति करना। केवले नहि भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा, ये अन्ने मूढ़ धियो नागा, सिद्धा मामियो अंजसा। गोपियों समेत वृंदावन के वासी, गौवें, अचर जीव तथा यमलाक्ष और वृक्ष, पशु, जड़ बुद्धि वाले जीव तथा झाड़ियां तथा जंगल और सर्प तथा काली, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के कारण जीवन की सिद्धि प्राप्त की और इस तरह मुझे आसानी से प्राप्त किया। तो वृंदावन के तो लता पता, पशु, वृक्ष, सभी प्रकार के अचर जीव भी भगवान की संगति में उनके प्रेम को प्रारंभ कर चुके हैं। वृंदावन के जीवों का उदाहरण वास्तव में एक आदर्श उदाहरण है, जहां वृक्ष भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करके अपने जीवन का अंधकार नष्ट कर रहे हैं। तो वैराग्य और ज्ञान से आगे क्या है इस पूरे अध्याय के इस सारपूर्ण श्रवण में? आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च विधि प्राप्त करना, भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानना, उनको सर्वस्व मानकर व्यवहार करना, भगवत धाम वापस जाने के क्रम में इस प्रकार की भावना का उदय होना, ये असली भगवत प्राप्ति और सिद्धि है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 9 में, यम न योगे न सांख्ये न दान व्रत तपोद्वरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यास है प्राप्नुयात यत्नवानपि। योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन या संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगते रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान को प्राप्त करना अत्यधिक सहज है, पर उसके लिए जीव का अत्यधिक सतर्क होना अनिवार्य है। अन्यथा क्या कहा जा रहा है, कितने भी प्रकार के कर्म कांड हो, वैदिक मंत्रों की शिक्षा हो, क्योंकि भगवान धराधाम से गमन कर रहे हैं, तो ये बताना, ये निर्देशित करना, ये इंगित करना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए। भगवान के साथ ठीक से रहना, भगवान के साथ अपने आप को अनुभूत करना, ये सत हो जाता है, सत का अर्थ है नित्य हो जाता है। यदि जीवन भगवत प्राप्ति के आकर्षण में अनुरक्त नहीं हुआ तो भी ऐसे जीवन में बहुत कुछ पाना शेष रह जाता है। वृंदावन वासियों की चर्चा करते हुए भगवान अगले श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ब्रजवासी सदैव मुझ में अनुरक्त रहते थे। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते ज्वाफल के नामयी अनुरक्त चित्ता विगाढ़ भावेन नमे वियोग तीव्राधयन्यम ददशो सुखाय। गोपियां इत्यादि वृंदावनवासी गहन प्रेम से सदैव मुझ में अनुरक्त थे। अतएव जब मेरे चाचा अक्रूर, मेरे भ्राता बलराम सहित मुझे मथुरा नगरी में ले आए तो वृंदावन वासियों को मेरे विषयों के कारण अत्यंत मानसिक कष्ट हुआ और उन्हें सुख का कोई अन्य साधन नहीं प्राप्त हो पाया। भगवान की संगति का आस्वादन कर चुके ब्रजवासियों के लिए उनके तत्कालीन उस समय के मनोभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जब अक्रूर चाचा मुझे वृंदावन लेकर चले गए तब उनकी अनुपस्थिति में, मेरे वहां न रहने पर, जब मैं रहता था तब तो वो प्रतिदिन सुबह
दर्शन करके शाम को मेरी प्रतीक्षा कर रही होती थी और दिन भर के अपने कार्यों को मुझे समर्पित कर रही होती थी, पर जब मैं नहीं था तो उन्होंने की चेतना आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णता ऐसी लीन हो गई कि वास्तव में गोपियां कृष्ण चेतना की अवस्था को प्राप्त, एक प्रतिमान, मानक, एक मापदंड, चरम सिद्धावस्था को प्राप्त रही। इस भौतिक जगत में व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाले हर वस्तु का, किसी भी प्रकार की वस्तु का त्याग करके गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। भगवान उसी का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं, दासा शपा प्रेष्टतमे ननीता मये वृंदा वन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनांगतासाम हीना मया कल बसमा बभू। हे उद्धव, वे सारी रातें जो वृंदावन भूमि में गोपियों ने अपने अत्यंत प्रियतम मेरे साथ बिताई, वे एक क्षण से भी कम में प्रतीत हुए, किंतु मेरी संगति के बिना बीती हुई वे रातें गोपियों को ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य खिंचती हुई सी प्रतीत हुए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन, 4 करोड़ 32, भगवान के संग है गोपियां तो वो एक क्षण के लिए समान लगा, जब भगवान नहीं है एकात्मक रूप से, जब वे मोहग्रस्त सी प्रतीत हुई, वास्तव में वो समाधि की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था में थी। उनकी चेतना भगवान श्री कृष्ण की प्रगाढ़ता से अनुरक्त थी। ऊपर से भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर लगते थे, तो वो समय उनको ब्रह्मा जी के दिन के समान लंबा लगा। भीतर से वो सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में निवास करके रखी हुई थी। तो भगवान की प्रेममयी स्मृति से अभिभूत रहने वाली गोपियां कृष्ण चेतना में पूर्णतया विलीन रहती थी। तो आध्यात्मिक जीवन की जो सिद्धि है ये कृष्ण चेतना, ऐसी सिद्धि कैसे अनुभूत करें अपने जीवन में, गोपियों के जीवन में ऐसा क्या लक्षण दिखा जिससे इसकी पुष्टि हुई, भगवान स्मरण कर रहे हैं। उद्धव के साथ भगवान पुनः अपने वृंदावन के जीवन का, लीला का आस्वादन कर रहे हैं। कहते हैं, दान अभिधनमय अनुषंग बद्ध धिय स्वमात्मा नमद तथेदम यथा समाधो मुनियोक्तितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। हे उद्धव, जिस तरह योग समाधि में मुनिगण आत्म साक्षात्कार में लीन रहते हैं और उन्हें भौतिक नामों तथा रूपों का भान नहीं रहता, और जिस तरह नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह वृंदावन की गोपियां अपने मन में मुझसे इतनी अनुरक्त थी कि उन्हें अपने शरीर की अथवा इस जगत की या अपने भावी जीवनों की कोई सुध-बुध नहीं रह गई थी, उनकी संपूर्ण चेतना मुझ में बंधी हुई थी। तो ये लक्षण है। सामान्य जनों को अपना शरीर प्रिय लगता है, गोपियां अपने शरीर के भाव से बहुत दूर रहती थी। भगवान की बांसुरी को भगवान के द्वारा दिवस काल में किए गए कृत्य कलापों को, भगवान के संग जंगल में समय बिताने की अपनी अधीरता को, आचार्य सतर्क करते हैं श्रोताओं को और पाठकों को कि भगवान के साथ गोपियों का ये जो प्रेमाचार है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि भगवान से उद्भूत हुई है, उनमें से भगवान की सर्वाधिक सुंदर तरुणियां अपने शरीर के प्रति नहीं आकृष्ट है, भगवान पर अपने आप को केंद्रित करके शरीर जन्य लक्षणों में सीमित उत्तरदायित्वपूर्ण भाव रख के
भौतिक जगत के सभी प्रकार के अज्ञान और अंधकार और अल्पज्ञता को दूर करते हुए अपनी एकमेव निष्ठावान दृष्टि से, कृत्य से भगवत धाम में और भगवान के हृदय में अपने स्थान को पक्का कर रही थी। तो वास्तव में गोपियां तो सदैव से भगवान के साथ रहती हैं। इस लीला में उपस्थित होकर उन्होंने सामान्य जनमानस को बतलाया है कि कैसे भगवान के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम उत्पन्न किया जा सके, और यहाँ ज्ञान और वैराग्य के ऊपर उन लक्षणों को उद्भूत करते हुए भगवान उद्धव के साथ उन्हें पुनः चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं, मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो अबला, ब्रह्मा माम परमं प्रापो संगा शत सहस्त्रश। वे सैकड़ों हजारों गोपियां मुझे ही अपना सर्वाधिक मनोहर प्रेमी जानकर तथा इस जगत तरह मुझे अत्यधिक चाहते हुए मेरे वास्तविक पद से अपरिचित थी। फिर भी मुझसे घनिष्ठ संगति करके गोपियों ने मुझ परम सत्य को प्राप्त किया। तो भगवान के चिरंतन अनेक अनेक ब्रह्मांडों के सृष्टा के पद से गोपियां उनसे स्नेह प्रेम नहीं करती थी। वो भगवान की असीम शक्तियों से परिचित नहीं होना चाहती थी, वो भगवान के ऐश्वर्य से परिचित नहीं होना चाहती थी। वो उच्च माधुर्य भाव में कृष्ण की शरण प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि स्वाभाविक रूप से अर्जित कर चुकी थी। तस्मात् त्वम् उद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणा आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याहुकुतो भय। अतएव हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियों एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। जो कुछ सुना जा चुका है तथा जो सुना जाना है उसकी परवाह न करो, केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैं ही समस्त बद्ध आत्माओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूँ। पूरे मन से मेरी शरण ग्रहण करो और मेरी कृपा से तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को खड़े होकर भगवान ने बताया है, वैसे यहाँ उद्धव के माध्यम से बता रहे हैं। उद्धव में पहले से ही मुक्त संत आत्माओं के सारे लक्षण उपस्थित हैं, तथापि आध्यात्मिक उन्नति के विभिन्न स्तरों के रूप में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। पहले सकाम कर्म की बात कर रहे थे, नित्य बद्ध नित्य मुक्त की कर रहे थे। विषयों की इन श्रृंखला में भगवान पूर्ण वैराग्य की बात कर चुके थे, और अब उद्धव के माध्यम से कह रहे हैं पूर्ण वैराग्य के आगे क्या है, इस ज्ञान प्राप्ति के आगे क्या है। एक पंक्ति में भगवान के प्रति प्रगाढ़ स्नेह प्रेम, अपने संबंध अभिधेय और प्रयोजन को भगवान के साथ साधना, ये ज्ञान और वैराग्य के आगे है। यदि वैदिक शास्त्रों की शिक्षा हमें इस ओर उन्मुख नहीं करती, तो हमें शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध भक्तों का संग ढूंढना चाहिए, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से हमें इस ओर प्रेरित करती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है जिससे जीव इस भौतिक जगत का सामान्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार पालन करते हुए जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने आप को संलग्न कर सके। जीव के रूप में जब हम सोचते हैं कि भगवान ही जीवों को संसार की समस्त समस्याओं से उबार सकते हैं, तब वैदिक भक्ति योग विधि का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि जीव सरलता से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर चुका होता है। श्री उद्धव उवाच,
संशय शृण्वतो वाचम् तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मन। श्री उद्धव ने कहा, हे योगेश्वरों के ईश्वर, मैंने आपके वचन सुने हैं किंतु मेरे मन का संदेह जा नहीं रहा है, अतः मेरा मन मोहग्रस्त है। तो उद्धव कह रहे हैं, क्या संदेह है उद्धव के मन का? यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जब भगवान निष्काम भाव से, वर्णाश्रम प्रणाली से, कर्म मिश्र भक्ति से, अर्थात सकाम कर्म की प्रवृत्ति के साथ भक्ति करने का उल्लेख कर रहे हैं, तो बुद्ध कहते हैं ये स्पष्ट नहीं है भगवान। ये स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रकार की वृत्ति में लगे रहने से जीव के भीतर के समस्त दुर्गुणों का नाश नहीं होता, हृदय में निर्मलता नहीं आती, भावों की शुद्धि नहीं होती। तो जहां हृदय की निर्मलता नहीं है, जहां भाव की शुद्धि नहीं है, वह ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र, सकाम कर्म इस भौतिक जगत में और अधिक अनुरक्त रहने की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए भगवान उद्धव के मनोभाव समझते हुए, उद्धव को वास्तव में कोई कोई भी दुविधा नहीं है सामान्य जनमानस इस ज्ञान को सम्यक रूप से ग्रहण कर सके, इसके लिए बताया गया है कि पूर्ण वैराग्य और ज्ञान के आगे भगवान के चरणों में श्रद्धा है। श्रद्धा जीव को स्वयं विकसित करने होती है और इसलिए भक्ति का विकास, भक्ति की पूर्णता भक्तों की संगति पर निर्भर करती है। जीवन सिद्धि का शास्त्रीय उपदेश भगवान के श्री चरणों में, भगवान के संग, भगवान के संबंध में अपनी घनिष्ठता प्रकट करने से है। जब हम इस भौतिक जगत में किसी के प्रति घनिष्ठ मित्रता रखते हैं तो उसके सुख दुख के बारे में, उसके प्रसन्नता के बारे में हम अपने आप को ज्ञानवान बनाते हैं। भगवान के चरणों में भी ऐसा करना ज्ञान के अर्जन के पश्चात उसे विज्ञान के रूप में प्रयोग करने का सबसे सशक्त माध्यम है। कहते हैं यहाँ पर भगवान, श्री भगवान उवाच स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणे न घोषेण गुहां प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्तविष्ट। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान हर एक को जीवन प्रदान करते हैं और प्राण वायु तथा आदि ध्वनि के सहित हृदय के भीतर स्थित है। भगवान को उनके सूक्ष्म रूप में हृदय के भीतर मन के द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि भगवान हर एक के मन को वश में रखते हैं, चाहे वह शिव जी जैसा महान देवता ही क्यों ना हो। भगवान वेदों की ध्वनियों के रूप में जो हर्ष तथा दीर्घ स्वरों तथा विभिन्न स्वर विन्यास वाले व्यंजनों से बनी होती है, स्थूल रूप धारण करते हैं। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि उद्धव, किसी का भी जीवन प्राण वायु सूक्ष्म शरीर का अवयव ये सब मुझसे उद्भूत हो रहा है, इसलिए सारी विधियां जीवों को भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त रह सके ये सहायता करने के निमित्त है। इसीलिए भक्ति, ज्ञान, त्याग, योग, तपस्या, पुण्य कर्म इत्यादि विधियां बतला दी जाए पर उनमें क्रमिक योग श्री के विकास में पुण्य कर्म से, सकाम कर्म से आगे बढ़ाते हुए अंततः भगवान के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को विकसित करने के रूप में समाप्त होती है। तो ये योग सीढ़ियां पशु से मनुष्य बनने का क्रम आरंभ करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित करने वाले शुद्ध भाव को जागृत करने के रूप में, तो क्रमशः हमें इस योग सीढ़ी के ऊपर अपने आप को बढ़ाते रहना चाहिए। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 18 में, यथा नल के
अनिल बंधु उष्मा बलीन दारुण्यधिमत्यमान अडू प्रजातो हविषा समेदते तथैव मे व्यक्तियं हि वाणी। जब काठ के टुकड़ों को जोर से आपस में रगड़ा जाता है तो वायु के संपर्क से उष्मा उत्पन्न होती है और अग्नि की चिंगारी प्रकट होती है। एक बार अग्नि जल जाने पर उसमें घी डालने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। उसी प्रकार मैं वेदों की ध्वनि के कंपन में उत्पन्न होता हूँ। तो भगवान वैदिक ज्ञान के परम गूढ़ अर्थ को बतलाते हुए कहते हैं कि वैदिक ज्ञान अगर दिखने में ऐसा लगता है कि कर्मकांड को प्रतिपादित कर रहे हैं, भौतिक कर्म को नियमित कर रहे हैं, फल के अनुष्ठानिक यज्ञ से जीव को भावी लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं वास्तव में इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है। यज्ञ फल समर्पित करने में हम वास्तव में प्रयास क्या करते हैं कि अपने कर्म फलों को श्रेष्ठ वैदिक सत्ता को समर्पित कर दिया जाए और इस प्रकार भौतिक भोग में धीरे धीरे शनै शनै रुचि कम की जाए, दार्शनिक चिंतन की उच्च अवस्था की ओर बढ़ा जाए। अगर वेदों की नियमित कक्षाओं से ये भाव विकसित नहीं हो रहा है तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा कोई भी ज्ञान अंततः फिर किसी काम का नहीं है, वो इस जगत की समाप्ति के साथ, इस शरीर की समाप्ति के साथ ही नष्ट हो चुका होता है। इसलिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति आचार्य यहाँ पर बद्रिकाश्रम के मुनियों का जीवन प्रकाशित करते हुए कहते हैं जो जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। सर्वाधिक योग्य व्यक्ति वह है जो इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करने के बाद आचरण में ला सके, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। श्लोक संख्या 19 में एवं गदी कर्म गदी विसर्गो, एवं गदी कर्म गति विसर्गो घ्राणो सोदृक् स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञान नमत अभिमान सूत्रम रजसत्वतम विकार। कर्मेंद्रियों के कार्य तथा वाक, हाथ पैर उपस्थ एवं नाक, जीभ आंख त्वचा तथा कान, ज्ञानेंद्रियों के कार्य के साथ ही मन बुद्धि चेतना तथा अहंकार, इन सभी जैसी सूक्ष्म इंद्रियों के कार्य एवं सूक्ष्म प्रधान के कार्य तथा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाएं, इन सबों को मेरा भौतिक व्यक्त रूप समझना चाहिए। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के कार्य, चेतना के सूक्ष्म कार्य, प्रधान और प्रकृति के तीनों गुण, ये सभी कुछ यदि हमें एक पंक्ति में समझना हो तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में समझता है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक जीव अपने को स्वामी मानता है। विचार करके देखें यदि हम तो प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वामित्व का भाव रखता है। आध्यात्मिक जगती में जगत में हर वस्तु, हर अभिव्यक्ति आनंदमय और ज्ञानमय हो जाती है कि सब कुछ भगवान को समर्पित रहती है। इसलिए वैराग्य और ज्ञान के आगे क्या है, भगवान को समर्पित उनके श्री चरणों में शरणागत अवस्था में व्यक्त की गई अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ है। अयम ही जीव तीव्रताब्ज योनि अव्यक्त एको वयसा साध्य। विश्लेष्ट भक्षक्ति बहुधा इव भाति बिजानि योनिम प्रतिपद्य यद्वत्। जब खेत में कई बीज डाले जाते हैं तो एक ही स्रोत मिट्टी से असंख्य वृक्ष झाड़ियां वनस्पतियां निकल आती हैं। इसी तरह सबों के जीवन दाता तथा नित्य भगवान आदि रूप में विराट जगत के क्षेत्र के बाहर स्थित रहते हैं, किंतु काल क्रम से तीनों गुणों के आश्रय तथा ब्रह्मांड रूप कमल फूल के स्रोत भगवान
अपनी भौतिक शक्तियों को विभाजित करते हैं और असंख्य रूपों में प्रकट प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे एक हैं। तो ये है महत्व की बात समझना। यहाँ पर श्री श्री वीर राघवाचार्य जी की टीका का उल्लेख करते हुए आचार्यों ने प्रश्न किया है, देवता, मनुष्य, पशु, पौधे, ग्रह इत्यादि से युक्त यह विराट ब्रह्मांड वास्तव में किसका है? जब सभी कुछ त्रिवृत्त अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से स्वतंत्र नहीं है, तो इसके मूल में क्या है? और जटिल वैदिक उत्तर देने में कहा गया है कि गर्भोदक सागर में शयन कर रहे गर्भोदक्षाय विष्णु से ये सब कुछ उद्भूत हो रहा है। तीनों गुण वास्तव में भगवान के भीतर ही उपस्थित है, तीनों गुण भगवान के अधीन है। भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मांड आवरण के भीतर इन भौतिक वस्तुओं का सृजन और संहार हो रहा है। दिव्य स्वरूप होने के कारण भगवान का तो कोई रूपांतर मृत्यु नहीं हो रहा, वो शाश्वत काल कर्म का चक्र है। भगवान की भौतिक शक्तियां विभक्त होकर शारीरिक विस्तार, अहंकार, मिथ्या स्वामित्व, इंद्रिय विषय, शारीरिक साथ सामग्री जैसे अनेक अनेक मार्ग से च्युत करने वाले कारणों के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो एक ही स्रोत भगवान से असंख्य अभिव्यक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। और उन असंख्य शक्तियों के माध्यम से वे असंख्य रूपों में प्रकट हो सकते हैं। और समझने का सबसे अच्छा उदाहरण खेत में बोए गए बीज होते हैं। आगे कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 21 में, पूर्ण वैराग्य और ज्ञान से आगे भक्ति योग की शुद्धता को प्रमाणित करते हुए, यस्मिन इदं प्रोतम अशेषमोतम पटो यदा तंतु वितान संस्था यह ईश संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते। जिस प्रकार बुना हुआ वस्त्र ताने बाने पर आधारित रहता है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड लंबाई तथा चौड़ाई में भगवान की शक्ति पर फैला हुआ है। और उन्हीं के भीतर स्थित है। बद्ध जीव पुरातन काल से भौतिक शरीर स्वीकार करता आया है और यह शरीर विशाल वृक्षों की भांति है जो अपना पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पहले फूलता है और तब फलता है, उसी तरह भौतिक शरीर रूपी वृक्ष भी विविध फल देता है। तो फल आने के पूर्व वृक्ष में सामान्यतया फूल उपस्थित होते हैं। तो ये पुष्प और फल संसार के सुख दुख जैसे मनोभावों को व्यक्त करने के लिए बताए जा रहे हैं कि मनुष्य को लगता रहे कि मेरा जीवन तो पुष्पित है, पल्लवित है, पर जरा मृत्यु जैसी विपदाओं के कटु फल प्रकट होते ही होते हैं। इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष, ये सभी पुष्प और फल के उदाहरणों से समझे जा सकते हैं। श्लोक संख्या 22 और 23 में कह रहे हैं भगवान, वेयस्य बीजे शतम् स्त्रीनाल पंचस्कंद पंचरस प्रसूति दशेक शाखो द्विसुपर्ण नीडस इवल कलो द्वि फलो कम प्रविष्ट अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा ग्रामे चराये कमरण्यवासा हंसाय एकं बहुरूपमिच्छे मायामयं वेद सवेद वेदम्। इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज, सैकड़ों जड़े, तीन निचले तने तथा पांच ऊपरी तने, यह पांच प्रकार के रस उत्पन्न करता है जिसमें 11 शाखाएं हैं और दो पक्षियों ने एक घोंसला बना रखा है।
यह वृक्ष 3 प्रकार की छालों से ढका है, यह 2 फल उत्पन्न करता है और सूर्य तक फैला हुआ है। जो लोग कामों के और गृहस्थ जीवन में लगे हैं, वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता से इस वृक्ष का एक परब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ समझ लेता है, वही वैदिक वांग्मय के असली अर्थ को जानता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर कह दी गई है। इस श्लोकों में कहा जा रहा है इस वृक्ष के 2 बीज, एक पापमय और एक पुण्यमय कर्म है। सैकड़ों जीवों की जो असंख्य इच्छाएं हैं, वो इसकी सैकड़ों जड़ें कही जा रही, और वो भव सागर में जकड़ी रहती है। निचले तने 3 प्रकार के गुणों को बतला रहे हैं, और 5 ऊपरी तने 5 स्थूल तत्वों को बतला रहे हैं। 5 रस जो वृक्ष उत्पन्न कर रहा है, वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, ध्वनि, रूप, स्पर्श, स्वाद, सुगंध है। विभिन्न प्रकार की शाखाएं जो रस उत्पन्न कर रही है, शाखाएं कौन है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, और 2 पक्षी जो हम भगवद गीता में विश्रवण करते हैं, आत्मा और परमात्मा के रूप में इस जगत में इस वृक्ष में घोंसला बनाकर उपस्थित है। जो इस 3 प्रकार की वृक्ष की छाल है, वो वात, पित्त और कफ है, जो इस शरीर के वास्तव में अवयव है। और 2 फल, वो सुख और तथा दुख है। 2 बीज शुरू हुए थे पापमय और पुण्यमय कर्म से, और उनसे 2 प्रकार के फल निकले, सुख और दुख। तो भौतिक लक्ष्यों का परित्याग करके आध्यात्मिक प्रकाश के मार्ग पर जो अनुरक्त रहते हैं, वो सुख रूपी फल भोगते हैं। जो इस जगत को अपना सर्वस्व मानकर बहिरंगा शक्ति की शरण में रहते हुए अपने स्वामित्व भाव का बोध कर रहे होते हैं, वह दुख रूपी फल भोगते हैं। सभी प्रकार के मार्गों से भगवान स्पष्ट ये करना चाह रहे हैं कि यदि श्रद्धा उनके श्री चरणों में समर्पित करके जीवन में व्यवहार नहीं है, तो बाकी कुछ भी उन तक वापस जाने में, उनका संग, उनका सामिप्य प्रदान करने में बहुत लंबा समय ले सकता है। और कभी कभी समय इतना लंबा होता है कि सृष्टि का संहार हो जाता है, पर जीव अपने आप को त्रिविध गुणों से, 3 प्रकार के सतरजतम से मुक्त नहीं कर पाता। संभवतः इस अध्याय का अंतिम श्लोक है ये, श्लोक संख्या 24। एवं गुरु पास नया एक भक्त्या, विद्या कुठारे नशिते न धीर, विवृश्य जीवा क्षयम प्रमत्त, संपद्य चात्मा त्यजास्त्रम। तुम्हें चाहिए कि तुम धीर बुद्धि से गुरु की सावधानी पूर्वक पूजा द्वारा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो, तथा दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुलाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट दो। भगवान का साक्षात्कार होने पर तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़े को त्याग दो। इस श्लोक को हमें इस अध्याय के सार रूप में देखना चाहिए। वैराग्य और ज्ञान से आगे भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति है, और उस श्री चरण की प्राप्ति के लिए, भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उद्धव को तो वैसे भी पहले से था, पर उद्धव के माध्यम से सामान्य जन को बतलाते हुए भगवान बता रहे हैं कि बद्ध जीव जैसी मनोवृत्ति नहीं रखनी पड़ेगी। गुरु के चरणों में, प्रामाणिक गुरु की संगति में कहा गया है, शुद्ध भक्ति उत्पन्न करोगे तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो वृक्ष की जड़ें जो भवसागर की तरफ से बंधी हुई हैं, उनको काटने के लिए वो ज्ञान तेज कुल्हाड़ी का काम करेगा। वृक्ष बंधा हुआ होता है, जड़ों से खड़ा रहता है। ये जगत में जीव बार बार जन्म लेता है अपने सूक्ष्म भौतिक आवरण से, जो आत्मा को सुगंधी के रूप में जन्म पर्यंत जन्म लेने के लिए विवश कर देता है।
तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़े से उसको खंड खंड कर दो। ये वृक्ष की उपमा के साथ इस शरीर का जगत से कैसा बंधन काटा जा सकता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो जो बद्ध जीव इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए प्रस्तुत है, जो इस माया सृष्टि के भगवान के अपरिष्कृत विधान को इस जगत में बने न रहने के लिए नहीं मान रहा होता है, जो भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, श्रद्धा के द्वारा भगवान की शरणागति में रहता है, वो ज्ञान और वैराग्य के परे सदैव भगवत धाम भगवान का संग संगति प्राप्त कर सकता है। तो अध्याय एक प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो रहा है, जहाँ वैराग्य तथा ज्ञान से आगे क्या है इसको भगवान ने बड़े ही सुस्पष्ट और सरलतम शब्दों में उद्धव के माध्यम से प्रकट किया है। सत्र आज के लिए यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सत्र के साथ ये अध्याय भी इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के अंतर्गत वैराग्य तथा ज्ञान से आगे नामक 12वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हो गए। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 13 जहाँ हंसा अवतार की कथा है उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। करीब 42 श्लोक है इस अध्याय में, तो समय की उपलब्धता के अनुसार हम सभी क्रम से हंसा अवतार की उत्पत्ति, हंसा अवतार के द्वारा दिए गए निर्देशों को जो उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्रों के प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए हैं, अब 11वें स्कंद तक जाते जाते सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को मनीषियों की इन वार्ता से भगवत प्राप्ति की प्रामाणिक अवधारणा किया स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो जब भगवान नारद मुनि का वृत्तांत बताते हैं कि वसुदेव ने उनसे प्रश्न किया और नारद मुनि ने उसको निमि और नवयोगेंद्रों के द्वारा उत्तर देने में प्रयोग किया, तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का लक्ष्य क्या है यहाँ पर? परीक्षित महाराज को भगवान की लीला सुनाने के पश्चात ये उनके मन बुद्धि चित्त में स्थिर कर देना कि प्रामाणिक रूप से भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उन भक्तों का जिन्होंने अपना मन बुद्धि अहंकार भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया है। तो जितनी भी यहाँ पे संवाद की मनीषियों की वार्ताएं हैं वो एक एक करके उल्लेखित करते हुए महाराज परीक्षित के इस विश्वास को, इस श्रद्धा को और दृढ़वती करने के लिए सुखदेव गोस्वामी का प्रयास है। ब्रह्मा जी के पुत्रों के प्रश्नों का उत्तर हंसावतार स्वरूप कैसे देगा इसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र से संबंधित कोई भी टिप्पणी आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।